वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन ऑन मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड पे अभी हाल में ही 11 सितंबर को सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसकी वजह से बाजार में काफ़ी हलचल हो गई। तो उसकी जानकारी देने के लिए हमने समझा कि ये उचित होगा इन्वेस्टर के लिए कि ये जानना कि ये क्या है इस सर्कुलर में, और क्या सेबी को गड़बड़ी मिली और उसमें किस तरह से उन्होंने इसको सुधारने के लिए उपाय बनाए। तो सर्कुलर जो यहाँ आप देख रहे हैं 11 सितंबर का नंबर उसका दिया हुआ है, और मल्टी कैप फंड में जो पुराना जो 2017 का सर्कुलर था उसमें सेबी ने कुछ लीवे इनको फंड हाउस को दिया हुआ था, जिसका इन्होंने दुरुपयोग किया और वो दुरुपयोग सामने आया जो इस छोटा चार्ट दिखाया हुआ है। इसको डिटेल में हम आगे जैसे भी है समझ में आएगा। जैसे कि अभी जेएम मल्टी कैप आप देख रहे हैं, 91% जो लार्ज कैप में एक्सपोजर है, जबकि मल्टी कैप फंड होना चाहिए। इवन एक लार्ज कैप फंड में भी 91% मल्टी कैप एक्सपोजर होना जरूरी नहीं है, जबकि इवन लार्ज कैप फंड में भी 91% लार्ज कैप एक्सपोजर होना मतलब ज्यादा ही माना जाता है, और ये मल्टी कैप होने के बावजूद जिसमें 91% लार्ज कैप एक्सपोजर है। और एक नहीं, ऐसे देखिए मोतीलाल ओसवाल है, एचडीएफसी है, और एक्सिस मल्टी कैप है, फ्रैंकलिन में भी है 78%, एसएल में, यूनियन में है, कोटक में है, और कोटक इनफैक्ट सबसे बड़ा है, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, ये 29,700 करोड़ मैनेज करते हैं इस फंड के अंदर, और ये जो है 76% मल्टी कैप में जो है इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। और दूसरी बाकी ये और फंड है टारस वगैरह, ये ऐसे फंड है कि लिस्ट है जिनका 75% से ज्यादा सिर्फ लार्ज कैप में है। और जब मल्टी कैप में जब आप पैसा लगाते हैं, आप सोचते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी में हो रहा है। अगर आपको लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है तो आपने लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया, मल्टी कैप में कहीं के लिए करेंगे। तो जिस बेसिकली यही था जो 2017 में सेबी ने जो सर्कुलर जारी किया था, जिसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी के लिए थोड़ा सा मतलब बेसिक जानकारी से शुरू करते हैं। यह डिस्क्लेमर है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो होता है। तो म्यूचुअल फंड था क्या? बेसिकली म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होते हैं जो इन्वेस्टर का, जिनके कॉमन फाइनेंशियल गोल है, उनके पैसे को इकट्ठा करके जो है एक जगह इन्वेस्ट करते हैं। और जो पैसा इकट्ठा होता है उसको क्या करते हैं, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है उसको कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जो है जैसे शेयर, डिबेंचर और दूसरी मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है। वो इन्वेस्टमेंट करने से क्या मिलता है कि तो इनकम जनरेट होती है और उसका कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, वो रियलाइज करते हैं और फिर बाद में यूनिट होल्डर में बराबर बराबर उसको बांट दिया जाता है। जैसा इस डायग्राम में बताया हुआ है, इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर जो है पूल किया अपना मनी को, वो फंड मैनेजर को दे दिया, फंड मैनेजर ने उसको इन्वेस्टमेंट किया मार्केट में, और मार्केट में करने के बाद वो कुछ रिटर्न जनरेट हुआ, रुपया जो दिखाया हुआ है, और जो जो जनरेट हुआ रिटर्न वो जो वापस जो है इन्वेस्टर को दे दिया। और तो इसमें फंड मैनेजर अपना फीस लेता है और बाकी जो भी एजेंसी जिनका छोटा छोटा रोल रेगुलेशंस के हिसाब से दिया हुआ है, सब अपना रेगुलेशन के हिसाब से अपना फीस जो है उसमें चार्ज करते हैं। तो क्या होता है म्यूचुअल फंड में, जब आप अपना पैसा लगाते हैं डायरेक्ट शेयर में लगाने के बजाय, आपको क्या क्या मिलता है उसमें? आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है, क्योंकि जो मैनेजर फंड मैनेजर हायर करते हैं ये लोग अच्छा मार्केट का एक्सपोजर जानकारी पूरा रखते हैं, और इंडिविजुअल की उतनी जो है ना तो उतना समय दे पाते हैं और ना उनके पास उतना रिसोर्स होता है, ना उतना पैसा होता है कि जैसे एक बड़ा शेयर आज की 7 तारीख में आप सोचिए कि एक एमआरएफ का शेयर है जो 60-70 हज़ार रुपये में मिलता है, आपको अगर चाहें कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं कर सकते हैं, 60-70 हज़ार रुपये आप तो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहते हैं 10 हज़ार 5 हज़ार रुपये से, जो 60 हज़ार रुपये का एक शेयर तो करेंगे क्या? कोई कोई शेयर 20-20 हज़ार रुपये के भी ट्रेड होते हैं, और उनमें अभी आपको पता लगता है कि वो अच्छे शेयर है और वो अच्छा ग्रोथ होगा, और लेकिन आप उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या है, 5 हज़ार रुपया है या तो 10 हज़ार रुपया है। तो ये उससे जो है आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट होने से जो पूल होता है पैसा, पूल होने के बाद ये लोग ऐसा कर पाते हैं। दूसरा आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है कि जो आप अगर आप अपना पैसा है 5 हज़ार 10 हज़ार 25 हज़ार किसी एक शेयर में लगाएंगे, वो पर्टिकुलर शेयर जो है चला नहीं बाकी सब चल गए, तो आपको लगेगा अरे क्या हो गया, कहाँ फंसा दिया, फिर आप टीवी में कहीं फोन करेंगे किसी को पूछेंगे, वो बोलेगा अरे आप बेवकूफ हैं, आप कब कब किसने कहा था इसमें लगाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो पैसा एक शेयर में नहीं लगता है, तो जो भी कोई सा भी आप फंड ले लीजिए उसमें 20 25 30 50 शेयर्स में जो है आपका इन्वेस्टमेंट होता है, और जो है
उस हिसाब से आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। उसमें एक अच्छा परफॉर्म करता है, थोड़ा कोई कम परफॉर्म करता है, कोई आज परफॉर्म करता है, कोई कल परफॉर्म करता है, तो इस हिसाब से आपको ओवरऑल बेनिफिट मिलता है। तीसरी बात है लिक्विडिटी और कन्वीनियंस। आपने देखा होगा कि शेयर बाजार में आमतौर पर कभी क्या अपर सर्किट लगता है, कभी लोअर सर्किट लगता है, कभी बाजार गिर जाता है लोअर सर्किट लग जाएगा और आप बेचना चाहें नहीं बेच सकते, कभी अपर सर्किट लग जाएगा आप खरीदना चाहते नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि कोई सेलर नहीं है। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपको कंटिन्यूस लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। एक्सेप्शनल कुछ केस हो गया वो अलग बात है, बट जो है पूरा इनका कोशिश रहता है कि वो जो आपको जब भी जो टाइम दिया हुआ उसके पहले आप अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस दिन के कट ऑफ टाइम के पहले करेंगे तो उस दिन के एनएवी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। और कन्वीनियंस रहती है कि आपको बहुत ज़्यादा जो अभी अभी प्रोसेस काफ़ी सिंप्लीफाई होगी, पूरा ऑनलाइन होगी, आप घर में बैठे कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, ना कोई कागज कहीं से लाने की जरूरत है, ना कोई पेपर भरना, ना कोई साइन करना है, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस हो गया। दूसरा क्या टैक्स इफिशियंसी का सवाल आता है। टैक्स इफिशियंसी में ऐसा है कि अगर अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको प्रॉफिट बुक करना, मान लिया कि आपने किसी पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट किया और वो शेयर बढ़ गया और उसको इन्वेस्टमेंट कर उसको आपने सोचा कि अब और नहीं बढ़ेगा और ये बेचना है, तो बेचेंगे द मोमेंट यू सेल यू बिकम लाइबल टू पे कैपिटल गेंस टैक्स। तो यहाँ पे आपको क्या है कि कैपिटल गेंस टैक्स आपने पे कर दिया 10% या 15% जैसा भी आपका लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तो आपका उतना पैसा कम हो जाएगा। जब फर्ज कहिए आपने 10,000 रुपये लगाया और 10,000 रुपये का 20,000 हो गया और 20,000 रुपये में जब आपने बेच दिया तो आपका 10,000 उसमें कैपिटल गेन हुआ, उस पर आपका 10,000 रुपये टैक्स लग गया, तो आपका पैसा रह गया कितना 19,000। तो अभी दूसरी बार आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अगले साल के लिए 19,000 ही आपका रह गया और वो 19,000 के ऊपर आपका एप्रिसिएशन होगा 20,000 रुपये होने के बजाय। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपका पूरा 20,000 रुपया जो है वो रहेगा, फंड मैनेजर उस शेयर को बेच देगा और वो जो फंड मैनेजर बेचेगा उसके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं है, तो आपको जो उसका फायदा जो है मिलता है कि आप जो है आपके शेयर खरीदे जाते रहेंगे बेचे जाते रहेंगे, आपको ना तो उसका हिसाब रखने की जरूरत है और ना आपको उस पर टैक्स इम्प्लीकेशन कैलकुलेट करने की जरूरत है। आपको पूरा का पूरा जो है उसमें शांति से जो है आराम से एक बार पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, जब तक आपको नहीं चाहिए 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 25 साल जितने साल के लिए भी रखना है आप रख के छोड़ दीजिए और उसको देखिए कैसे वो ग्रो करता है। तो ये है टैक्स इफिशियंसी की बात। अभी इसके आगे हम देखते हैं फेज कैसे कैसे इनका इतिहास क्या है म्यूचुअल फंड का। भारतवर्ष में जो है 1963 के अंदर एक यूटीआई एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट ने, तो जिसके बाद यूटीआई की स्थापना हुई और यूटीआई ने पहला स्कीम लॉन्च किया था यूनिट 64। वो स्कीम जो है 2003 तक जिन लोग जो पुराने लोग उनको पता होगा 1999-2000 के बीच में काफी बड़ा जो है उसमें प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम ये था कि वो जो है जो म्यूचुअल फंड के रेगुलेशंस बने 96 में वो यूनिट स्कीम US 64 उसको मानता नहीं था और उनका क्या था महीने महीने का एनएवी डिक्लेयर होता था, बाजार बीच में महीने में कहाँ का कहाँ चला जाता है, तो उसमें कुछ लोग जिनको पता है कि एनएवी जो है महीने के बाद बढ़ा हुआ आएगा तो वो जो है खरीद लेंगे सस्ते में और महीने के बाद उसको फायदा हो जाएगा, और जिनको पता नहीं पता है कि गिर जाएगा तो अपना बेच लेंगे और बाकी जो शेष यूनिट होल्डर रहेगा उनको नुकसान हो जाएगा। तो बहुत इफिशियंट सिस्टम नहीं था और ये लोग उसको मानते नहीं। दूसरा इनका जो पूरा इन्वेस्टमेंट जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में नहीं था, कुछ रियल एस्टेट में और जगह जगह इन्वेस्टमेंट इनका था। तो फाइनली क्या किया वो 2003 में जो 1963 का जो एक्ट बना हुआ था यूटीआई एक्ट उसको रिपील कर दिया गया और जो यूटीआई म्यूचुअल फंड था उसके पहले वाला 2003 के पहले वाला उसको जितना भी इन्वेस्टमेंट इस तरह का था जो प्रॉब्लम वाला था उसको सब एक संस्था एक मतलब एक एसपीवी एक तरीके की बनाई गई जिसका नाम सुट्टी है। अभी आप कहीं पर बार बार सुनते होंगे आईटीसी के शेयर सुट्टी के अंदर है और दूसरे और भी कई कंपनियों के शेयर सुट्टी के पास है, वो समय समय पर उनको बेचती है जो उनका पैसा जो है वो करते रहते। और उसी बाद 2003 में जो यूटीआई म्यूचुअल फंड नए रूप में जो सेबी कंप्लायंट यूटीआई म्यूचुअल फंड का जन्म हुआ, तो उसमें जो सेबी कंप्लायंट स्कीम थी पुराने यूटीआई म्यूचुअल फंड की वो नए वाले यूटीआई म्यूचुअल फंड में ऐसी की ऐसी ट्रांसफर हो गई। जैसे आप जानते होंगे पहले मास्टर शेयर और दूसरा मास्टर प्लस इस तरह की कई सारी स्कीम थी, तो वो इसमें उनके कुछ के नाम बदल गए, कुछ उसी नाम से चलती हैं। तो और कुछ स्कीम जो है जो पुराने फंड की नए में ट्रांसफर क्योंकि वो कंप्लायंट नहीं थी वो ट्रांसफर नहीं वो सुट्टी में चली गई और उसमें जो है इस तरह का ये कंप्लायंट म्यूचुअल फंड आपको मिल गया। उसके बाद जो 63 से 87 तक वो यूटीआई वाज अलोन ओनली वन रेस मतलब एक घोड़े की दौड़ थी, अकेला ही था जो करना था जो वो करता था वही कानून था। और उसके बाद जो 1987 में सरकार ने क्या कदम उठाया कि पब्लिक सेक्टर
जो एजेंसीज हैं, जैसे कि बैंक है या कुछ इंश्योरेंस है, उनको अलाउ किया कि हाँ आप भी जो है इस बिजनेस में जो है आइए पार्टिसिपेट कीजिए। तो उसमें सबसे पहला SBI म्यूचुअल फंड आ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर कर दिया उसको। उसके बाद कैनबैक म्यूचुअल फंड, इंडियन बैंक, GIC म्यूचुअल फंड, बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, PNB म्यूचुअल फंड वगैरह जो इस दौरान में जो है आ गए। और ये दौर चला 97 से 93 तक। इसमें जो AUM था म्यूचुअल फंड का 6,700 करोड़ से बढ़ के 47,000 47,000 करोड़ तक जो है पहुंच गया। अब 93 के बाद जो है दूसरा एक नए युग की शुरुआत हो गई। उसमें जो प्राइवेट सेक्टर जो है को अलाउ किया गवर्नमेंट ने कि प्राइवेट सेक्टर को कि आप जो है म्यूचुअल फंड जो है अपना सेटअप कर सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो उसमें सबसे पहले जो है ये कोठारी पायनियर के नाम से जो है फ्रैंकलिन, जो आज आप जानते हैं, उसने सबसे पहला अपना फंड लॉन्च किया। और 1 दिसंबर 1993 को इन्होंने दो फंड लॉन्च किया था। उसमें एक था कोठारी पायनियर ब्लू चिप फंड और कोठारी पायनियर प्रीमा फंड। आज भी वो फंड है और बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है दोनों की। पिछले आप देखिए 93 से अभी तक कितना हो गया, 27 साल हो गया। और ये था, उसके बाद एक एक करके बहुत सारे फंड आते गए। रिलायंस म्यूचुअल फंड 95 में आ गया, और फिर थोड़ा बाद में HDFC म्यूचुअल फंड आ गया। इसी बीच में 96 में क्या हुआ है कि म्यूचुअल सेबी ने म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस जारी किए। 96 के बाद एक दूसरा फेज इसलिए गिनते हैं क्योंकि 93 से 96 तक प्योर प्राइवेट को एंट्री तो दे दिया, मगर बाजार में बहुत कुछ रेगुलेशंस नहीं था। तो जिसका जो मर्जी आता था, एंट्री लोड चार्ज करता था या कुछ करता था, सब अलग अलग जो है। तो मतलब रेगुलेशंस पर वेरी लूज, क्योंकि 92 में ही सेबी पैदा हुई थी और 93 में अलाउ किया रहा उसे। तब तक वो लोग अपना मार्केट का संभालने में लगे हुए थे, म्यूचुअल फंड की तरफ उन्होंने कोई ध्यान दिया नहीं। तो 96 आते आते जो है इन्होंने जो म्यूचुअल फंड के लिए सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996, जो भी आज भी जो है इनको उसके अंतर्गत जो है पावर मिली हुई है सेबी को, और उसी के तहत ये जो सर्कुलर जारी करके म्यूचुअल फंड के ऊपर जो है अपना रेगुलेशंस जो है और नियम कानून जो है लगाते रहते हैं। तो उसमें एक और उसके बाद एक और बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है, जो यूनियन बजट आया 99 का, उसमें क्या किया, म्यूचुअल फंड के डिविडेंड को टैक्स फ्री कर दिया। बाकी डिविडेंड पे उस समय तक टैक्स लगता था। फिर 2000 आई थिंक 3 के आसपास जो है वो इक्विटी डिविडेंड टैक्स फ्री हो गया। म्यूचुअल फंड का डिविडेंड पहले से टैक्स फ्री था। तो तब उसके बाद 2003 से 2007 तक जो बहुत ग्रोथ हुआ, और अभी जो आके आप देखते हैं उसके बाद जो है पिछले 1-2 साल में जो है क्या किया, पहले तो डिविडेंड को टैक्सेबल कर दिया इन दी है, मतलब म्यूचुअल फंड को टैक्स देना है आपको डिविडेंड देने के पहले। और अभी इस साल जो अभी साल चालू हुआ, इस बार क्या हो रहा है आपको, इट इज टैक्सेबल, डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ यूनिट होल्डर। डिविडेंड इज टैक्सेबल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस इज टैक्सेबल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस इज टैक्सेबल। तो आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो टैक्स बेनिफिट पार्ट था वो खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने पहले बताया कि अगर आपने अपने एज इंडिविजुअल पोर्टफोलियो में और इवन थ्रू PMS सर्विस आपने अगर 10 शेयर खरीदे, कोई सा एक शेयर आपको अप्रिसिएट हो गया, आपको लगता है कि और नहीं बढ़ेगा और उसको बेचना हमको, द मोमेंट यू सेल इट यू इट मीन्स उस पे जो जो भी कैपिटल गेन्स टैक्स है, या तो आपका बिजनेस इनकम आपको डिक्लेयर करते हैं उसको जो भी है, तो इमीडिएटली जो है उस पर टैक्स एप्लीकेबिलिटी जो है हो जाएगी। और आपको टैक्स जो है, आपको जानते हैं कि जो जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो आपको जिस दिन आपने बेचा और उसी दिन आपका उसका लाइबिलिटी हो जाता है, और आपको उसी क्वार्टर के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे 4 बार में होता है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। तो उसी डेट के पीरियड में आपने अगर कोई ट्रांजेक्शन किया है जिसमें आपका कैपिटल गेन्स टैक्स का लाइबिलिटी बनता है, तभी उसको आपको जमा करना पड़ेगा 15 सितंबर, 15 जून, 15 दिसंबर और 15 मार्च के पहले, अन्यथा आपको जो है उसका ऊपर आप ब्याज देना पड़ेगा और पेनल्टी देना पड़ेगा। तो ये था 96 के बाद जो ये अभी जो चल रहा था टैक्सेशन के बारे में। अभी जो है उसके बाद एक एक करते करते बहुत सारा म्यूचुअल फंड अभी आ गया, 40 से ज्यादा अभी है। उनमें कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हो गए हैं। सब अपना हिसाब से जो जैसे बिजनेस इसका चल रहा है उस हिसाब से कर रहे हैं। और इस बीच में एक और बहुत अच्छी बात हो गई। कई बार पहले क्या होता था कि आपको कोई कहीं आपने पैसा लगाया और वो कंपनी डूब गई या चली गई, भाग गई, कोई मिलता नहीं, आपको पता ठिकाना कुछ नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड में क्या हुआ है कि बहुत सारी म्यूचुअल फंड आई हैं और चली गई हैं, मगर आपका पैसे का उसमें कुछ हुआ नहीं,
आपका पैसा जहां था वहीं है। म्यूचुअल फंड में ऐसा कानून बनाया हुआ है कि कोई म्यूचुअल फंड हाउस जिसकी दुकान उसको लगता है कि हमको जितना बढ़िया से चलना था उतना बढ़िया से नहीं चल रहा है, तो क्या करते हैं वो अपना जो है कारोबार जो है किसी दूसरे को बेच के, और वो पूरी जो स्कीम जो उसमें पैसा लगा हुआ है जो खरीदेगा उसके पास चला जाता है, वो मैनेज करता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो पहले वाले से दूसरे वाला जो अच्छा ही मैनेज करता है, ये थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा वो तो आपका मार्केट वाला रिस्क है, मगर इसमें ऐसा नहीं है कि ये साहब कल ये दुकान बंद हो गई इसकी तो कल हम कहाँ जाएंगे, किसके द्वार पर जाके खड़े होंगे। अब ऐसा नहीं है म्यूचुअल फंड में एकदम ये सेफ्टी एस्पेक्ट जो जब से रेगुलेशंस आ गए, उसके पहले तो जो भी रहा हो बहुत सारा प्लांटेशन में लोगों का पैसा डूब गया, कहाँ कहाँ कुछ अच्छा जरिया नहीं था पैसा जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो 90 से 2000 के बीच में कितना प्लांटेशन स्कीम आ गया, कितना अभी तक भी सेबी उन पे कुछ पे कानून अभी तक मतलब तो डिसीजन कर रही है, किसी का कुछ पैसा मिलता नहीं मिलता, ज्यादा से ज्यादा डूब जाता है। अब म्यूचुअल फंड में ये सब बिल्कुल भी है नहीं। आपने देखिए वो फाइडेलिटी नाम का एक म्यूचुअल फंड था, वो आया दुकान बंद करके चला गया। इवन जो पहला आपका जो प्राइवेट म्यूचुअल फंड था कोठारी पायनियर फ्यूचर, कोठारी पायनियर नो मोर, इट वॉज ए ज्वाइंट वेंचर बिटवीन कोठारी एंड पायनियर। तो पायनियर बाद में इसका नाम जो कोठारी निकल गया इसमें आईटीआई पायनियर हो गया, बाद में आईटीआई पायनियर ने बेच दिया इसको फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को, तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन हो गया। आपको क्या फर्क पड़ता, आपका पैसा फ्रैंकलिन क्या बोलते कोठारी पायनियर प्रीमा फंड में लगा हुआ था, अभी ना हो ये फ्रैंकलिन इंडिया प्रीमा फंड में है और परफॉर्मेंस आपकी एकदम फर्स्ट क्लास कुछ। और जब ये चेंज हुआ था फंड मैनेजर भी चेंज हुआ, सेम फंड मैनेजर पर कंटिन्यू, सेम मैनेजमेंट टीम, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट टीम, सब वही लोग काम कर रहे थे। तो ये इसका चला। उसके बाद में जो पीरियड आया आप देखिए एसेट मैनेजमेंट जो है 93 के बाद, ये 93 से दिखाया हुआ है करीब बहुत कम, एक एक कितना कम था, और ये करीब 1 लाख करोड़ होगा। उसके बाद ये अभी अभी तो 27 क्या बोलते हैं बढ़ता ही जाता है। और बीच में क्या क्या हो गया, कोठारी पायनियर का एंट्री दिखा दिया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आ गए, कोलैप्स यूटीआई का हो गया जो बताया 2003 में उसको बंद कर दिया गया, और ये सब बहुत सारे इंसिडेंस इसमें दिए हुए हैं, एंट्री लोड बंद हो गया बीच में। उसके बाद अभी देखिए कैसे कैसे इनका एईएम बढ़ता गया, ये देखिए कहाँ छोटा सा दिखाया हुआ है यहाँ पे 65 में 25 करोड़ और अभी 25 लाख करोड़, कितना ग्रोथ हुआ है। और ये दूसरा वाला है इसमें इक्विटी और डेट टोटल का वो अलग अलग दिखाया हुआ है, इसमें जो है 2009 से 19 तक का दिखाया हुआ, और इसमें जो है एवरेज जो है जनवरी 20 तक आप 28 लाख करोड़ दिखाया हुआ, अभी थोड़ा कम हो गया क्योंकि मार्केट डाउन है और थोड़ा कुछ पैसा बाहर भी निकल गया। तो ये टोटल जो है जून का जो फिगर है, जून में जो है 24 लाख 62 हजार करोड़ जो टोटल था, और ये 45 म्यूचुअल फंड जो एग्जिस्ट करते हैं, छोटे छोटे 41 करोड़ भी है। ये श्रेय म्यूचुअल फंड, इसने अभी तक बिजनेस शुरू नहीं किया, एक कुछ है ट्रस्ट म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है, इसका भी डैश है कुछ भी नहीं है। और बड़े जो है 3.5 लाख करोड़ है, ये जो है HDFC म्यूचुअल फंड सबसे बड़े, और उसके SBI म्यूचुअल फंड को कांटे में चल रहे हैं, 3,64,000 SBI अभी नंबर वन हो गया, कभी ये आगे होता कभी कोई आगे होता है। तो ये था 2017 में जो सर्कुलर आया है वो था सेबी का 6 अक्टूबर 2017 को, उसमें क्या किया, पहले म्यूचुअल फंड क्या करते थे, एक हाइब्रिड, कोई बोलता हाइब्रिड फंड है, कोई बोलता बैलेंस फंड है, कोई बोलता ये फंड है, कोई वो फंड है, तो इन्होंने क्या किया उसको स्टैंडर्डाइज करके 5 तरह के फंडों में जो है तब्दील कर दिया। सारे म्यूचुअल फंड को ये आदेश दिया गया कि आपके पास जो भी फंड है वो 5 कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो वो क्या कैटेगरी होंगे, इक्विटी इक्विटी फंड होंगे, उनमें 10 इक्विटी के अंदर 10 वेरायटी, डेट के अंदर 16 वेरायटी है, हाइब्रिड के अंदर 6 वेरायटी है, और सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम के अंदर 2 वेरायटी, अदर स्कीम के अंदर 2 वेरायटी। तो ये कैटेगराइजेशन हो गया, ये सर्कुलर था, और इसको यहाँ पे आपको समझाया गया ये इसमें चार्ट के जरिए। इसके पहले क्या होता था, छोटा छोटा ये लिखा हुआ, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, कैपिटल प्रोटेक्शन, फिक्स मैच्योरिटी, मनी मार्केट, डेट, ये ब्ला ब्ला ये सब था। तो ये सब खत्म हो गया। तो ये कैटेगराइजेशन में क्या किया गया कि इसमें जो इक्विटी, हम लोग चर्चा अभी इक्विटी की करेंगे, डेट वगैरह किसी कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो इक्विटी में क्या, 3 वेरायटी में सारे जो शेयर्स होते हैं ट्रेडिंग होती है उनको 3 अलग अलग बकेट में बांट दिया गया कि लार्ज कैप, तो जो जितनी भी कंपनी ट्रेड होती है BSE NSE के अंदर उनको जो है एक डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है मार्केट कैप के एवरेज मार्केट कैप उनका कैलकुलेट करते हैं 6 महीने का, और 6 महीने के बाद जो है सेबी एक लिस्ट जारी करती है, मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक में और जनवरी के फर्स्ट वीक में, उसमें पहले 6 महीने का उनका एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो निकाल के उसको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है। टॉप 100 जो आएंगे 1 to 100 दे आर कॉल्ड लार्ज कैप, और 101 से 250 के बीच में जो आती है दे आर कॉल्ड मिड कैप, और 251 के बाद जितनी है वो सब स्मॉल कैप है, कोई लिमिट नहीं है। तो अभी जो लास्ट लिस्ट आया था वो लिस्ट जो है उसमें 5004 कंपनियों के जो नाम थे, उनमें छोटी कंपनी का जो बहुत ही कम थी, मतलब 2 लाख करोड़ उसका जो मार्केट कैप
खाली है, वो भी थी उसमें तो। और इसके साथ साथ ये था जैसे इंडेक्स फंड, ETF, इनमें एक से ज्यादा फंड रख सकते हैं, और बाकी जैसे वो थे इक्विटी में 10, 10 से ज्यादा कोई नहीं रख सकता है, और डेट में जितना दिया वो 14 कितना दिया हुआ है, तो उस एक से ज्यादा फंड किसी भी कैटेगरी में जो है उनको अलाउड है नहीं। ये इनका डिटेल में दिया हुआ। मल्टी, तो अभी हम मल्टी कैप की खाली बात करें तो मल्टी कैप में ऐसा था कि इक्विटी और इक्विटी स्कीम में 65% जो है उनको रखना जरूरी था, ये मिनिमम था, और विद इन 65% उनको मिड कैप में रखना, लार्ज कैप में रखना, स्मॉल कैप में, ये म्यूचुअल फंड के ऊपर छोड़ दिया। तो इन्होंने क्या किया कि पूरा का पूरा जो है लार्ज कैप में डाल दिया। उसको लेकर सेबी जो नाराज होगी कि ये मल्टी कैप कैसे हुआ, उसमें लार्ज कैप और मल्टी कैप में अंतर क्या है। लार्ज कैप में आपको बोला हुआ कि मिनिमम 80% आपको लार्ज कैप में रखना है, और मल्टी कैप जो 90% लार्ज कैप में रख रहा है, तो लार्ज कैप है या मल्टी कैप लार्ज कैप है, ये जो है परेशानी सेबी को भी। इसके लिए इन्होंने जो ये सर्कुलर जो है अभी जो 2000 अभी जो 11 अप्रैल को जो फ्राइडे को जो इन्होंने सर्कुलर जारी किया उसके लिए। उसके अलावा बाकी जो थे लार्ज कैप में 80% से मिनिमम जो है लार्ज कैप में रखना है, एक लार्ज मिड कैप कैटेगरी है उसमें 35% मिड कैप, 35% जो है लार्ज कैप में रखना है, और उसके बाद मिड कैप उसमें 65% उसमें जो है मिड कैप में रखना है, फिर स्मॉल कैप है उसमें 65% स्मॉल कैप में रखना है, एक डिविडेंड यील्ड में, और डिविडेंड यील्ड स्टॉक कुछ होते हैं जिनका डिविडेंड यील्ड सर्टेन परसेंटेज ज्यादा होता है उनको डिविडेंड यील्ड स्टॉक बोलते हैं, और उनमें इनको 65% अपना जो है मिनिमम इन्वेस्ट में रखना होता है। तीसरी एक सातवीं जो वैरायटी है उसमें दो दो कैटेगरी के फंड इन्होंने कैटेगराइज किए, और फंड हाउस को ये अनुमति मिलेगी वो दोनों में से खाली एक रख सकता, दोनों नहीं रख सकता, तो या तो वैल्यू फंड होगा या तो कॉन्ट्रा फंड होगा, और जो वैल्यू फंड होगा तो वैल्यू स्टॉक में 65% मिनिमम इन्वेस्टमेंट करेगा, कॉन्ट्रा फंड होगा तो कॉन्ट्रा स्टॉक में 65% इन्वेस्टमेंट करेगा। उसके अलावा एक कैटेगरी आई फोकस्ड फंड, फोकस्ड फंड इसको कुछ भी किसी भी एक पर्टिकुलर वैरायटी का फंड हो सकता है जिसमें जो है मैक्सिमम 30 स्टॉक, 30 से ज्यादा नहीं ले सकता, 100 नहीं ले सकता, मतलब 31 नहीं ले सकता, 35 ले सकता है, 30 से कम रखेगा, 25 रखेगा, 28 रखेगा, और 30 मैक्सिमम है। उसके बाद अगला होता है सेक्टर थीमेटिक फंड, तो ये जो बीच में आपको आया था 98-99 में, आप बहुत सारे क्या टेक्नोलॉजी फंड आ गए, सॉफ्टवेयर फंड, और उनको अलग अलग नाम से जाने गए। उसके बाद 2007 वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आ गए, तो जो इस तरह के जो फंड थे उनको थीमेटिक कैटेगरी में, अभी उनके बाद कोई है बैंकिंग फंड है आपका, कोई पावर सेक्टर फंड है, तो ये वो सब जो है थीमेटिक में या सेक्टोरल फंड में आते हैं, एक सेक्टर के होते हैं और किसी पर्टिकुलर थीम में, जैसे इमर्जिंग बिजनेस फंड तो वो एक एक थीम है। उसके अलावा जो कैटेगरी थी ELSS फंड जो आपका टैक्स सेविंग के लिए होता है वो था, उसमें जो 80% आपको इन्वेस्टमेंट जो है उसमें इक्विटी में रखना है, और उसमें 3 साल का लॉक इन है। तो ये अभी 6-6 महीने के अंदर जो चेंजेस होते हैं, अभी पिछला जून में जो चेंज हुआ, ये 8 स्टॉक जो है ये आगे लार्ज कैप में ऐड हो गए, 7 स्टॉक लार्ज कैप से डिलीट हो गए, वो मिड कैप में चले गए, और जो स्मॉल कैप से मिड कैप में 8 स्टॉक आ गए, और जो है मिड कैप से स्मॉल कैप में ये 5 स्टॉक चले गए। इस प्रकार जो वो लिस्ट पूरी अवेलेबल है एमफी की वेबसाइट पे 5004 कंपनी की। अभी 11 सितंबर को क्या हो गया, इन्होंने बोला है कि जो सेबी ने गाइडलाइन बोलते हैं कि जो हमारा जो पुराना गाइडलाइन था उसको जो है फंड जो है उसको जो है ठीक से फॉलो अप नहीं कर रहे, तो बेसिकली जो कुछ फंड आउट थे इट इज लाइक आप रेड सिग्नल आपने क्रॉस कर दिया और आपका चालान कट गया, इन लोगों का ऐसा अभी हुआ है। तो इन्होंने अभी उसके लिए फर्दर गाइडलाइंस जारी कर दिया कि आपको जो जो मल्टी कैप फंड है उसके अंदर लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25% और स्मॉल कैप में 25% मिनिमम ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है। तो अभी इनको एकदम बहुत परेशानी हो गई क्योंकि यह है 75% से ज्यादा लोग मल्टी कैप में, तो ये लोग सब परेशान हो गए। अभी बहुत हल्ला, फ्राइडे को सर्कुलर जारी हुआ, सैटरडे बहुत हल्ला हुआ, तो उसके बाद संडे शाम को जो है सेबी ने कुछ उसमें इनको कुछ रियायत दे दिया है, वो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। इन क्लैरिफिकेशन दे दिया कि उसमें ये बोला कि म्यूचुअल फंड है फ्री टू चूज रूट फ्रॉम कंप्लाइंग विद रिवाइज नॉर्म, और ये नॉर्म जो है 21 की जनवरी तक फॉलो करना है जब वो नया लिस्ट आ जाएगा। तो इसमें इनको क्या, आप पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग कर सकते हैं, मल्टी कैप स्कीम को लार्ज कैप स्कीम के साथ मर्ज कर सकते हैं, या थीमेटिक स्कीम बना सकते हैं, तो फोकस स्कीम बना सकते हैं, तो इस तरह की इनको सुविधा दे दी है। तो पहले अदरवाइज ये था कि कुछ 35-40 हजार करोड़ जो रुपया है वो इस तरह का इन्वेस्टमेंट है जिसको मल्टी मिड कैप या स्मॉल कैप में होना चाहिए, मगर वो लार्ज कैप में है, तो लार्ज कैप से बेच के इतना पैसा जो है इधर
मूव करना पड़ेगा, इसको लेके थोड़ा परेशानी इन्होंने अपना जाहिर किया सेबी को, सेबी ने उसकी बात इनकी बात को सुना और इनको ये कुछ कुछ रास्ते दे दिए हैं। मगर इसमें फाइनली यही निकलेगा कि जो पैसा जो है अभी तक आप देख रहे थे कि अगर शेयर बाजार में निफ्टी बढ़ रही है तो क्या बढ़ रहा है, HDFC और HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस और बाकी जो छोटे मोटे शेयर हैं उनको कुछ पूछता नहीं है। और कोई शेयर ऐसा है जिसका जो प्राइस बाय अर्निंग 100 है 200 है और उसी को जो है सब लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, और दूसरे जो है 5 की प्राइस अर्निंग पे पड़े हुए हैं या 2 की प्राइस अर्निंग पे कोई पूछता नहीं। तो इस तरह का थोड़ा सा रेशनलाइजेशन बाजार के अंदर आएगा और स्मॉल कैप को जो तवज्जो मिलनी चाहिए बाजार में, और उसमें उसका परिणाम ये होता था कि स्मॉल कैप कंपनी को पैसा बाजार में उठाना कोई लेने वाला नहीं है उसको, क्योंकि बाजार में उसकी कदर नहीं है। अभी उनको ओवरऑल इकोनॉमी में भी इस चीज का फायदा मिलेगा। तो डाटा ये था कि 27 में जो है 35 मल्टी कैप फंड में से 27 के पास 60% से ज्यादा लार्ज कैप में था और 18 ऐसे थे जिनका 70% से भी ज्यादा था और बाकी 75 से ज्यादा की लिस्ट हमने वहां पे आपको दिखाई है। तो अभी अम्फी ने आप क्या जवाब दिया, आप तो क्लैरिफिकेशन दे दिया सेबी ने, तो क्या करते हम, यस हम आपकी बात मानेंगे और जो है ये उसी का है जानकारी। टोटल AUM जो है एक करीब 1.5 लाख करोड़ था अगस्त के महीने में मल्टी कैप का, जो 72% उसका लार्ज कैप में था, 16.5% जो है मिड कैप में था और 6% जो अभी इसको 25% होने के लिए 36,000 करोड़ इधर जाएगा, 36,000 करोड़ इधर जाएगा। और लेकिन अगर ये लोग चेंज कर देंगे तो अलग बात है, बट अदरवाइज ये इम्प्लीकेशन है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि स्मॉल कैप को जो अभी जो जिस तरह का नेग्लेक्ट मिला है 2018-19 और अभी के 20 में 17 में स्मॉल कैप यू नो परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल एंड आफ्टर दैट दे हैव बीन आउट ऑफ फेवर एंड नेग्लेक्टेड। तो ये था हमारा जो भी हमारा सलाह मशविरा जो लोग लेके हमसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम उनको बोलते हैं आप ये लार्ज कैप मल्टी कैप ये जो है फैंसी नाम के चक्कर में मत पड़िए, आपका इन्वेस्टमेंट कीजिए मिड कैप में और थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए स्मॉल कैप में, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और ये सब इस तरह के झंझट जो है जो म्यूचुअल फंड जो ये गलतियां करते हैं उससे भी आप बचे रहेंगे। तो ये था स्मॉल कैप का कैटेगरी में जो है बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं और इनका कहना था अच्छी कंपनियां बहुत सारी नहीं है, फ्लोटिंग स्टॉक नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, हमारा स्ट्राइक कॉस्ट वो क्या बोलते इंपैक्ट कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी जो मार्केट में था बड़ी कुछ कुछ कंपनियां बढ़ी, बहुत स्टीनेस आ गया था, एक तरफ अब इंडेक्स बढ़ रही है हमारा तो शेयर बढ़ता नहीं है साहब, हमारा म्यूचुअल फंड में पैसा वो भी घट रहा है लेकिन इंडेक्स बढ़ रही है, क्या करें। जो भी लोग हमसे सलाह मांगते हैं वो ऐसे ही हमसे सवाल पूछते हैं, क्या जवाब दें उनको, बोलते निफ्टी बढ़ रही तो 4-6 शेयर की वजह से बढ़ रही है, बाकी शेयर बैठे हुए निफ्टी के अंदर है फिर भी नहीं बढ़ रहे। जैसे ITC आप देखिए कहाँ है, 270 की बजाय अभी क्या 170 रुपये में है और 3 साल से उसमें कुछ कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, अच्छा कंपनी प्रॉफिट कमा रही, डिविडेंड सब कुछ है मगर क्यों किसी का फैंसी नहीं है, बस सिगरेट के नाम पे उसको जो है जब मर्जी ये लोग उस पर जो है गिरा देते हैं। तो ये कुछ दिया हुआ है हमने, कुछ अच्छे फंड जो थे उनके नाम वगैरह दिए हुए हैं उसमें, हम और चर्चा कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो ये सब था पूरा मल्टी कैप फंड के बारे में जानकारी, पूरा डिटेल में जितना जो म्यूचुअल फंड बारे में एक आम इन्वेस्टर को जानकारी चाहिए वो इस वीडियो में हमने उपलब्ध कराया है। अच्छा उम्मीद है कि आपको जो है ये जानकारी जो पसंद आई होगी, और मल्टी कैप की जो पहले हमने चर्चा किया वो इसमें थोड़ा बड़ा करके दिया, उधर छोटा छोटा दिया, पढ़ने में नहीं आता, इसमें अच्छे से पढ़ने में आता है। आपको जो है समझ में वीडियो में बातचीत जो किया है, जो जानकारी दिया है, अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी इस पे हम बहुत जानकारी, आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और जो हमारी सहयोगी कंपनी है उसके थ्रू आपको अगर कोई म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए एडवाइस चाहिए या डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड सपोर्ट चाहिए तो वो भी मिलेगी। आप अपना जो भी जानकारी चाहिए आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए और आपको हम जो है पूरा रिस्पॉन्स देंगे, 100% गारंटी है। थैंक यू।